नमस्कार, स्वागत है आप सबका आरएस टीवी विशेष में। मैं हूं कवीन सचान। भारत और नेपाल सीमा पर मधेशियों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा और बीते कई महीनों से ये लगातार जारी है, जिसके चलते नेपाल में जरूरी सामान की आपूर्ति बुरी तरह से बाधित है। दोनों देशों के बीच इस मसले को लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन ठोस समाधान नहीं निकल सका। भारत का साफ कहना है कि मधेशियों का आंदोलन नेपाली सीमा के भीतर चल रहा है, लिहाजा ये पूरी तरह से नेपाल की कानून व्यवस्था का मसला है। असल में मधेशियों के प्रदर्शन का सीधा ताल्लुक वहां के संविधान से जुड़ा है। नए संविधान में नुमाइंदगी का सवाल मधेसी समेत कई समूह उठा रहे हैं और विशेष में आज हम इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। हम बताएंगे कि आखिरकार नेपाल के संविधान में कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर देश में विरोध हो रहा है और संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया क्या रही है। तो आइए शुरू करते हैं विशेष। नेपाल में नए संविधान का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। संविधान में कुछ बदलावों के खिलाफ खड़े मधेसी अब उग्र हो रहे हैं। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें भी पिछले कुछ दिनों में सामने आ चुकी हैं। भारत ने नेपाल के आंतरिक हालातों को जिम्मेदार बताया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में रुके सामानों की आपूर्ति पर जोर दिया है। पिछले ढाई महीने से नेपाल में इस तरह की तस्वीरें आम हैं। जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन में अब तक 40 लोगों की जान जा चुकी है। इसी कड़ी में बुधवार को भी एक दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। रक्सौल सीमा के पास बीरगंज में भवानीपुर चौक पर प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया, जबकि 3 ट्रकों में तोड़फोड़ की। ये तमाम वाहन काठमांडू जा रहे थे, जिनमें रोजमर्रा का सामान लदा हुआ था। नतीजा यही रहा कि जो रुक रुक कर आवाजाही हो रही थी वो भी थम गई। भारत ने नेपाल में जारी नाकेबंदी के लिए उसके आंतरिक कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। भारत का कहना है कि इस गतिरोध को दूर करने का एकमात्र रास्ता बातचीत ही है। नेपाल को ये सोचना चाहिए, जो उसको जितने उसके संबंध गहरे भारत के साथ हैं, वो और किसी देश के साथ ना है ना हो सकते हैं। तो हमारे तो संबंध बहुत ही घनिष्ठ हैं और बहुत ही अभिन्न हैं, और इनको हमें देखना चाहिए, और आर्थिक संबंध भी बहुत गहरे हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने नेपाल के ताजा हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने नेपाल में जरूरी सामानों की आपूर्ति पर जोर देते हुए कहा कि भारत और नेपाल दोनों देशों को जरूरी सामान की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को तुरंत दूर करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। मून के प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने कहा कि ईंधन की आपूर्ति में भयंकर कमी के कारण नेपाल के भूकंप प्रभावित गांवों में वितरण में बाधा आ रही है। बान की मून की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मानवीय संगठनों को ऊंचे इलाकों में अभियानों को जारी रखने और भोजन, गर्म कपड़े और आश्रय सामग्री पहुँचाने के लिए तुरंत ईंधन की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो सर्दी में ऊंचे इलाकों का संपर्क टूट जाएगा। नेपाल में बीते करीब ढाई महीने से मधेसी आंदोलन की वजह से भारत से लगी रक्सौल बीरगंज सीमा पर यातायात बाधित है। इस सीमा से ही 70% कारोबार होता है। चाहे वो तेल हो, चाहे और पदार्थ हो, चाहे वो दाल हो, चीनी हो, सीमेंट हो, सब यहाँ से जाए, परंतु वहाँ पर क्योंकि हालात ही ऐसे नहीं हैं और नेपाल गवर्नमेंट ऐसे हालात बनाने में असमर्थ है, क्योंकि वो इनके साथ मिलकर उनको बातचीत करनी चाहिए, इनके साथ मिलकर उनको इस जो मसले का है उसको समाधान निकालना चाहिए। नेपाल के मधेसी लोग देश में लागू हुए नए संविधान का विरोध कर रहे हैं। इस आंदोलन के चलते वहाँ जरूरी सामान की किल्लत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल में नए संविधान को लागू हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन संविधान पर जारी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। नेपाल के तराई इलाकों में रहने वाले मधेसी शुरू से ही कुछ विशेष प्रावधानों की मांग करते रहे, लेकिन जब संविधान में उन्हें शामिल नहीं किया गया तो इनका विरोध तेज हो गया। भारत नेपाल सीमा पर उनके विरोध के चलते नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।
मधेसी आंदोलनकारियों की ये तस्वीरें भारत नेपाल सीमा पर बेहद आम हो चुकी हैं। बीते कुछ महीनों से ये आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। असल में नेपाल में नए संविधान बनने के वक्त से ही मधेसियों ने कुछ खास मांग की थी, जिन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। नेपाल में मधेसियों के अलावा जनजाति और महिलाओं ने भी संविधान से असंतोष जाहिर किया। इनका मानना है कि नेपाल में जिस तरह का संघीय ढांचा बना है, उसमें इनकी सही नुमाइंदगी नहीं हो रही है। इनकी दो बड़ी मांगे हैं। एक तो ये कि जैसे इनकी जनसंख्या है, वो मानते हैं कि उनकी जनसंख्या 35-40% है, और जो तराई के जिले हैं वो कम से कम 50% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो 50% लोगों में पहाड़ी लोग भी मिले हुए हैं, मधेसी लोग भी मिले हुए हैं। तो इनका ये मानना है कि हमारी जनसंख्या के आधार पर हमको राष्ट्रीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिले। संविधान की नई व्यवस्था के मुताबिक अब संसद की 40% सीट आनुपातिक नुमाइंदगी के आधार पर भरी जाएंगी। अंतरिम संविधान में ये आंकड़ा 58% था। जनजातियों और मधेसियों सहित अन्य समूहों का मानना है कि नए संविधान में उन्हें नजरअंदाज किया गया है। मधेसियों ने संविधान लागू होने से महीने भर पहले ही अपना आंदोलन तेज कर दिया। संविधान में बदलाव की मांग के साथ तराई इलाकों में उनका प्रदर्शन अब भी जारी है। नेपाल में मौजूदा संविधान के विरोध में हुए प्रदर्शन में अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। मधेसी अब ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई है, या तो हम जो चाहते हैं वो लेंगे, नहीं तो हम अपना आंदोलन जारी करेंगे। इसीलिए उसमें तीव्रता दिन ब दिन लग रही है, और मैंने सुना है कि पिछले एक दो दिनों में उन्होंने कुछ ट्रक्स वगैरह भी चलाए हैं। मधेसियों के प्रदर्शन से नेपाल की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। असल में भारत नेपाल सीमा पर प्रदर्शनकारियों ने सामान की आपूर्ति रोक दी। सैकड़ों की तादाद में जो ट्रक भारत से नेपाल जा रहे थे, उन्हें सीमा के इस पार ही रुकना पड़ा। नेपाल में इससे ईंधन की भारी किल्लत पैदा हो गई। भारत नेपाल का बड़ा ईंधन आपूर्तिकर्ता देश है, लिहाजा त्योहारों के मौसम में जब भारत से ईंधन नहीं पहुंच पाया तो नेपाल ने चीन की मदद मांगी। नया कॉन्स्टिट्यूशन जो पारित हुआ है, उसमें आर्टिकल 42 में जो उनका जो स्टेट जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो रिजर्वेशन होना चाहिए, वो रिजर्वेशन ठीक से टेकन केयर अप नहीं हुआ है। उनका जो आर्टिकल 84 जो है, उसमें जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन जो ज्योग्राफी और पॉपुलेशन बेसिस पे होना चाहिए, उसको ठीक से एड्रेस नहीं किया गया है। तो बाउंड्री डिमार्केशन ठीक से नहीं हुआ है, सिटीजनशिप इशू का प्रॉब्लम है। तो मधेस का कोई भी इशू को वो लोग एड्रेस नहीं किए हैं नेपाल गवर्नमेंट। नेपाल में तेल की किल्लत पैदा होने के बाद नेपाल सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े। निजी वाहनों में पेट्रोल भरने पर रोक लगा दी गई, और 1 अक्टूबर तक पूरे देश में करीब 2000 छोटे बड़े कारखाने ठप पड़ गए। इस बीच नेपाल ने भारत पर ये आरोप भी लगाया कि मधेसियों को भारत सरकार अपरोक्ष समर्थन दे रही है, लेकिन भारत ने इस खबर को सिरे से नकार दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि करीब 4,500 ट्रक भारत से नेपाल की सीमा में दाखिल हुए, और सैकड़ों इस इंतजार में खड़े हैं कि नेपाल सीमा के भीतर प्रदर्शनकारियों का रवैया शांत हो। भारत का साफ कहना है कि प्रदर्शन नेपाल में हो रहे हैं, लिहाजा शांति व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी नेपाल की है। भारत का ये कहना है कि हम सामान भेजे कैसे, जो हमारे ट्रक्स जाते हैं उनको मधेसी लोग रोक रहे हैं, तो आप पहले उनसे बातचीत कीजिए, उनकी समस्या सुलझाइए, तो सामान अपने आप आएगा, हम सामान नहीं रोक रहे। इसलिए नेपाल की सरकार भारत पे दोष लगा रही है कि आपने आर्थिक नाकाबंदी कर रखी है, हमारी ब्लॉकेट कर दिया है। भारत ये कह रहा है हमने ब्लॉकेट नहीं किया है, ब्लॉकेट आपके अंदर आंदोलन की वजह से हुआ। मधेसी प्रदर्शनकारियों ने भी नेपाल के इस आरोप को पूरी तरह खारिज किया कि आंदोलन के पीछे भारत का हाथ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेपाल सरकार उनकी मांग और शक्ति को कमतर करने के लिए इसमें विदेशी हाथ का हवाला दे रही है, जबकि नेपाल में कई समूह मौजूदा संविधान के खिलाफ हैं और इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मधेसियों के आंदोलन की जड़ में नेपाल का नया संविधान है, और ऐसे में ये देखना बेहद जरूरी है कि आखिरकार संविधान को लेकर नेपाल में क्या विरोध हुए हैं, इसे तैयार करने की
क्या प्रक्रिया रही है और लागू होने के बाद नेपाल की राजनीति कौन सी करवट ले रही है। असल में वहां संविधान बनने की पूरी कवायद बेहद खींचतान भरी रही। ये नेपाल का छठा संविधान है, इससे पहले भी 5 संविधान ये मुल्क देख चुका है। जब संविधान सभा में संविधान बनाने का काम जारी था तो नेपाल की राजनीतिक उठापटक के दौर से गुजर रही थी। आइए नजर डालते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। राजशाही पर अंतिम कील ठोकते ये लोग नेपाल में नई व्यवस्था बनाने में जुटे हैं। ये तस्वीरें हैं आज से 9 साल पहले की। राजशाही के खात्मे के बाद हुए पहले चुनाव में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी को भारी जीत हासिल हुई। 28 मई 2008 को नेपाल में पहली संविधान सभा का गठन हुआ। 601 सदस्यों वाली इस सभा का काम नेपाल के लिए संविधान बनाने का था। इस सभा में 240 सदस्यों को सीधे चुना गया, 335 को अनुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिए चुना गया, जबकि 26 मनोनीत सदस्य थे। पहली बैठक में ही संविधान सभा ने नेपाल से राजशाही के खात्मे का ऐलान किया। 2008 में ये तय हुआ कि सभी 26 मनोनीत सीटों को 9 पार्टियों के बीच बांट दिया जाए। इसके बाद शुरू हुई संविधान की दिशा को लेकर पार्टियों के बीच सहमति की कवायद, लेकिन अगले 4 साल तक कोई व्यापक सहमति नहीं बन पाई। आखिरकार 28 मई 2012 को पहली संविधान सभा को भंग कर दिया गया। पहली संविधान सभा में संविधान भले ही ना बन पाया हो, लेकिन नेपाल के लिए आगे की कई मुश्किलें दूर की गई। संविधान सभा ने शुरुआत में ही प्रस्ताव पारित किया कि 15 दिनों के अंदर नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र को राजभवन खाली करना पड़ेगा। संविधान सभा ने तय किया नेपाल में राष्ट्रपति होगा, लेकिन सारी कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होगी। 29 मई 2008 को राजभवन में नेपाल का राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। इसके बाद नेपाल में संविधान निर्माण से ज्यादा राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, CPN-UML, नेपाली कांग्रेस और मधेशियों के बीच विवाद लगातार बढ़ता गया। इस बीच प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने इस्तीफा देकर मधेशियों के स्वायत्ता के सवाल को जोर शोर से उठाना शुरू किया। संविधान में प्रांतीय स्वायत्ता के मसले पर लंबा विवाद चला। आखिरकार कई दांवपेचों में फंसकर पहली संविधान सभा बिना किसी ठोस जमा हासिल के भंग हो गई। पहली संविधान सभा की असफल कोशिश के बाद नेपाल ने नए सिरे से संविधान पर काम शुरू किया। नवंबर 2013 में इसके लिए फिर से चुनाव हुए। नए चुनाव में नेपाली कांग्रेस 196 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML 175 सीट जीतकर दूसरी पार्टी बनी। पिछली संविधान सभा की सबसे बड़ी पार्टी यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी को 80 सीटों के साथ तीसरे नंबर से संतोष करना पड़ा। दूसरी संविधान सभा ने नेपाल की राजनीति में नए समीकरण को जन्म दिया। पिछला गठबंधन टूट गया और बिल्कुल नए किस्म का समीकरण नेपाल में उभरा। लिहाजा पुष्प कमल दहल की अगुवाई वाली मुख्य विपक्षी पार्टी CPN माओवादी और सत्ताधारी गठबंधन के बीच तकरार बढ़ गई। संविधान को सत्ताधारी पार्टी सामान्य बहुमत से पास कराना चाहती थी, जबकि विपक्षी पार्टियों की मांग थी कि इसे सर्वसम्मति से पारित कराया जाए। 8 जून 2015 को राजनीतिक गतिरोध खत्म करने की पहली कोशिश हुई और नेपाल की 4 बड़ी पार्टियों के बीच 16 सूत्रीय समझौते को अंजाम दिया गया। इसके बाद भी संघीय ढांचे, अस्मिता, राष्ट्रपति और कार्यपालिका के बीच शक्ति बंटवारा और न्यायिक व्यवस्था को लेकर तकरार थमा नहीं। पुराने मसौदे से कई बिंदुओं को नए संविधान में खत्म कर दिया गया, लिहाजा माओवादी पार्टी सहित विपक्ष के एक बड़े तबके ने कई सवाल उठाए। महिला अधिकार, संपत्ति के अधिकार, वंचित जातियों और आदिवासियों के अधिकारों के अलावा संसदीय सीटों का बंटवारा इनमें अहम थे। इससे पहले भी कम से कम 2 बार व्यापक सहमति बनाने की दिशा में पहल हुई। 8 जून 2015 को 16 सूत्रीय समझौते से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डायलॉग एंड कंसेंसस कमेटी बनाई गई। इस समिति में 31 पार्टियों के 73 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें सत्ताधारी पार्टी के सदस्य अल्पमत में थे। विपक्ष ने दलील दी कि इस समिति का गठन ही सर्वसम्मति से संविधान के निर्माण के लिए किया गया था, लेकिन सरकार संविधान को बहुमत से लागू करना चाह रही थी। इन तमाम खींचतान के बाद 20 सितंबर को नया संविधान लागू कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 6 दशकों पुराना भारत और नेपाल का रिश्ता आज एक बार फिर से एक अबूझ मोड़ पर खड़ा है। पिछले 60 बरस में रिश्तों को कई बार मजबूत किया गया तो कई बार रिश्तों में अड़चने भी आई। आइए एक नजर भारत और नेपाल के रिश्तों के तमाम पड़ावों। Thank you.
और नेपाल की ये खुली सीमा अपने आप में दोनों देशों के रिश्तों की मिसाल है। कोई भी भारतीय या कोई भी नेपाली बिना वीजा बिना पासपोर्ट के बड़े इत्मीनान से किसी भी मुल्क का हिस्सा बन सकता है। बात 1950 की है, जब नेपाल के राणा शासकों और भारत सरकार के बीच में दोस्ती और अमन का समझौता हुआ था। समझौते के तहत दोनों देशों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था और किसी तीसरे के दखल पर साफ मनाही थी। यही नहीं, समझौते के तहत इस बात पर भी आपसी सहमति बनी थी कि अगर किसी देश के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो जानकारी चाहे खुफिया हो उसे साझा करना जरूरी है। दोनों देशों में दोस्ताना इस कदर है कि लाखों भारतीय नेपाल में रहते हैं तो लाखों नेपाली भारत का आज भी हिस्सा हैं। 50 का दशक रिश्तों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था। दोनों देशों में विदेश नीति के तहत खूब कारोबार हुआ। हालांकि 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद भारत के नेपाल से रिश्तों में कुछ तलखी आ गई। वो तलखी इतनी बढ़ी कि कई कारोबार कई साझा अभियान पर विराम लगाना जरूरी हो गया। 1965 में एक बार फिर से रिश्तों की नींव को मजबूत करने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन 1969 में सुरक्षा मुद्दों पर नेपाल की ओर से विरोध के बाद फिर से रिश्तों में खटास आ गई। 70 के दशक में सिक्किम को लेकर भी दोनों देशों के रिश्तों में दिक्कतें आईं। हालांकि 1978 में सिक्किम को भारत का हिस्सा मानते हुए नेपाल की ओर से एक ठोस शुरुआत हुई, जिसके बाद दोनों देशों में एक बार फिर से ट्रेडिंग से ट्रांजिट तक कई समझौते हुए, जो 1988 में एक बार फिर से मुसीबत में पड़ गए। भारत ने सीमावर्ती राज्यों में नेपालियों की बढ़ती तादाद का विरोध किया तो नेपाल की ओर से भारत की सिंगल ट्रांजिट समझौते का विरोध हुआ। दोनों तरफ से इस दोहरे विरोध का असर 1989 में आर्थिक हालातों पर तीखा पड़ा। सीमाओं पर कई महीनों तक नाकाबंदी रही, जिसकी वजह से नेपाल की विकास दर 9.7% से गिरकर 1.5% तक पहुंच गई। नेपाल की हालत बेहद खस्ता थी, लिहाजा नेपाल को अपनी हट से पीछे हटना पड़ा और अपनी राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव करना जरूरी हो गया। संसदीय लोकतंत्र को लागू किया गया और नई सरकार ने फिर से भारत के साथ रिश्ते सुधारने पर जोर दिया। दिसंबर 1991 में नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बीच नए समझौतों पर सहमति बनी। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र के पद संभालते ही एक बार फिर से भारत और नेपाल के रिश्तों में दरार आ गई, जो 2008 में जाकर एक नए मोड़ पर खड़ी हो गई। नेपाल के उस वक्त के प्रधानमंत्री प्रचंड ने भारत का दौरा किया और अच्छे रिश्तों की एक मजबूत नींव रखी। दोनों देशों ने 22 बिंदुओं पर साझा बयान जारी किया, जिसके तहत 1950 के शांति और विकास समझौते में सुधार की बात पर सहमति बनी। उस वक्त भारत ने नेपाल के आर्थिक रूप से भी मदद की। 2010 में रिश्तों में और मजबूती लाते हुए भारत ने दरियादिली दिखाई और उधार का पैमाना $20 मिलियन से बढ़ाकर $50 मिलियन किया गया। साथ ही हर साल 80,000 टन गेहूं के निर्यात का फैसला लिया गया। रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नेपाल का दौरा किया। ये मौका इसलिए भी अहम था क्योंकि 17 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री नेपाल का दौरा कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को तोहफा देते हुए उधार का पैमाना $1 बिलियन तक बढ़ा दिया। साथ ही नेपाल में 900 मेगावाट हाइड्रो प्लांट बनाने का भी समझौता हुआ। हालांकि कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो सालों से दोनों देशों के बीच रिश्तों के सामने मुंह बाए खड़ी हैं, जिसमें कुछ सीमा विवाद से लेकर नेपाल से होने वाली मानव तस्करी चिंता का एक बड़ा विषय है। भारत और नेपाल के बीच आर्थिक स्तर पर अरबों का कारोबार होता है, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर दवाएं, मशीनरी, केमिकल्स, कपड़ा और आम जीवन में इस्तेमाल होने वाली सामान्य वस्तुएं शुमार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
भारत के लिए नेपाल ने सिर्फ सामरिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी अहम है। आइए देखते हैं कि नेपाल का अब तक इतिहास और वहां लोकतंत्र बहाली की कवायद की क्या कहानी है। ईसा से करीब 1000 साल पहले नेपाल छोटी छोटी रियासतों और कुलों में बटा हुआ था, लेकिन नेपाल में राजशाही के नए युग की शुरुआत सन 1768 में हुई, जब मल्लवंश के शासकों को हराकर पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल का एकीकरण किया। शाह वंश ने नेपाल में सदियों तक प्रभावशाली तरीके से शासन किया, लेकिन बीच बीच में परिवार में कलह से मुश्किल भी पैदा हुई। इसी वजह से 1846 में राजा सुरेंद्र विक्रम शाह के शासनकाल में जंग बहादुर राणा एक शक्तिशाली सैन्य कमांडर के रूप में उभरे और उन्हें प्रधानमंत्री घोषित किया गया। लगभग हर काल में इस देश पर भारतीय साम्राज्यों का प्रभाव पड़ा, लेकिन यह दक्षिण एशिया का एकमात्र देश था जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से बचा रहा। 1923 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत नेपाल की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ देश में राजा और सरकार के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चलती रही। राजा को दो प्रतीक में देखा गया, एक तो हिंदू जो धर्म है उसके सिंबल के रूप में कि जो राजा है वो विष्णु का अवतार है। पहली बात तो ये जो जनता का जो श्रद्धा थी, जो एक जनता की राजा के प्रति फेथ था, वो उसका अंजाम था कि लोग राजा को या मोनार्की को फॉलो करते थे। दूसरे रूप में जो देखा गया कि राजा एक यूनिटी का प्रतीक भी है, एकता का प्रतीक है कि राजा ही एक मोनार्की ही एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जो नेपाल को यूनाइटेड रखा हुआ है। 1951 में राणा शासन का अंत हुआ और नरेश त्रिभुवन बहाल हुए। तब से ही नेपाल में कई बार लोकतंत्र की स्थापना की कोशिश भी हुई, लेकिन ये राजा और सरकार की बहुदलीय व्यवस्था के आगे नहीं बढ़ पाया। इनिशियली कहा कि जो मोनार्क है वो जिम्मेदार है, उसके बाद कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी कुछ हद तक स्टेटस को मेंटेन रखना चाहती है, और इनसे खिन्न होकर जो माओइस्ट जो पुअर मूवमेंट है जिसको कहेंगे, जो सोशलिज्म की बात कर रहे थे, इक्वलिटी या इगलिटेरियन सोसाइटी की बात कर रहे थे, और जिस तरीके का जो फ्यूडल सिस्टम मोनार्की ने जो डेवलप किया हुआ था उसको ख़त्म करने की बात कर रहे थे, उन्होंने वायलेंट पथ अपनाया। 1996 से वो वायलेंट रास्ते पर चले गए। 1990 के बाद नेपाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट सरकारों का गठन होता रहा, लेकिन ये सरकारें संवैधानिक राजशाही के अधीन ही रहीं। इस बीच राजशाही को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 1995-96 में सशस्त्र माओवादी आंदोलन शुरू हो गया। इसके बाद से संघर्षों में हजारों लोगों की जान गई। इस बीच जून 2001 को नेपाल के राजमहल में हुए सामूहिक हत्याकांड में राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारियां मारे गए। जिस राजघराने में राजा को मार दिया गया, परिवार को मार दिया गया, खूनी संघर्ष हो रहा है, सत्ता के लिए खूनी संघर्ष हो रहा है या पारिवारिक विवाद के लिए खूनी संघर्ष हो रहा है, तो लोगों की जो आस्था थी राजा के प्रति, मोनार्की के प्रति, वो जो प्रतीक था वो टूट गया, और वहीं से ही ये मोनार्की का पतन शुरू हो गया। वहीं से ही लोगों का जो मूवमेंट था, वो जो सपोर्ट था, वो ख़त्म होता चला गया, जिसके बाद ज्ञानेंद्र नेपाल नरेश बने। दिसंबर 2007 में माओवादियों के साथ शांति समझौते के तहत संसद ने राजशाही को ख़त्म करने की मंजूरी दी, और आखिरकार 11 जून 2008 को नरेश ज्ञानेंद्र के शाही महल छोड़ने के साथ ही नेपाल में राजशाही खत्म हुई। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम जानकारी और खबरों के लिए आप बन रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।